एलजी के खिलाफ आक्रोश निकाला, धरना चला, 22 घंटे बीत जाने के बाद फिर भी लगातार मांग चल रही है इस पूरे मसले पर। सीधे रुख करेंगे पंकज जैन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, अब ऐसी स्थिति में, इससे पहले हम दर्शकों को दिखा रहे थे वो रिपोर्ट जिसमें ये स्थिति थी कि अफसर काम कर रहे थे, प्रमुख सचिव से लेकर तमाम अफसर काम कर रहे थे, लेकिन चूंकि अब विषय यही है, धरने पर बैठने से पहले जो प्रमुख मांग थी, एक महत्वपूर्ण विषय यह था कि हड़ताल पर अफसर हैं, फिलहाल क्या स्थिति है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि 22 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, ये धरना वाला जो अध्याय है ये समाप्त हो नहीं रहा, अब आगे के आसार क्या? देखिए, जल्द ही ये धरना खत्म नहीं होने वाला है और जिस तरह की खबर हमें मिल रही है, फिलहाल एक लंबा वक्त लगेगा, क्योंकि एलजी जो है वो सीधे तौर पर बयान जारी करके ये कह चुके हैं कि जो मामला है वो अभी सुलझ नहीं सकता है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुबह से लगातार ट्वीट कर रहे हैं, उनके तमाम मंत्री ये कह रहे हैं कि अभी तक एलजी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सीएम आवास पर जो प्रदर्शन कल तक एलजी दफ्तर के बाहर चल रहा था, आज सीएम आवास पर वो प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से प्रार्थना सभा का इंतजाम किया गया है। सुबह से ही तमाम कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त सीएम हाउस के भीतर विधायकों की एक बैठक भी चल रही है। हालांकि हमारे साथ कमांडो सुरेंद्र है बातचीत करने के लिए। बिल्कुल, मुझे ये बताइए कि एक तरफ विधायकों की बैठक चल रही है, आप चर्चा कर रहे हैं आगे क्या रणनीति तैयार करना है, जो आप लोगों की मांगे हैं आपको लगता है कि वो सिर्फ धरने से ही पूरी हो सकती? जो हमारी मांगे हैं वो दिल्ली की मांगे हैं। आज दिल्ली का विकास बिल्कुल रुक चुका है, चाहे वो अधिकारियों को हड़ताल को लेके लगा लो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की बात लगा लो, चाहे वो डीटीसी बस खरीदने की बात लगा लो, हर काम के अंदर जो है ना रोड़े अड़ाने का काम एलजी के माध्यम। दूसरी तरफ एक जब हम सरकारी दफ्तरों में पहुंचे कमांडो सुरेंद्र जी, तो हमने देखा कि वहां पर अधिकारी हैं, मौजूद हैं, मीटिंग ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये तस्वीर जो है उसको तो आप झुठला नहीं सकते। तो ऐसे में ये आरोप लगाना कि काम बिल्कुल नहीं हो रहा है, कैबिनेट अगर धरने पर बैठ जाएगी तो काम तो और ज़्यादा रुक जाएगा, तो परेशानी तो दिल्ली वालों को ही होगी ना, सोचना तो आप ही को होगा इसके बारे में। मुख्य जो बड़े काम है जैसे सीसीटीवी कैमरे का काम है, बसों का काम है और जो मेन काम है जो आम आदमी पार्टी, उन कामों को रोका जा रहा है। छोटे जो जनरल काम है, जनरल अपने जो फाइलें चलती हैं उस तरीके से चलती, पर जब लास्ट स्टेज होती है फाइल की काम होने की, जब टेंडर हो जाता है, वर्क ऑर्डर होने की बात आती है, तो वहाँ पर उस काम को रोक दिया जाता है। कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना जब तक एलजी साहब इन मांगों को नहीं मांगे, क्योंकि जिम्मेवारी जो एलजी साहब को नॉमिनेट करके जो सरकार ने यहाँ बैठा रखा है, और जिस एलजी साहब के माध्यम से जो रोड़ा अटकाने का काम, आज तो रोड़ा क्या पूरी ईंट अटकाने का काम कर रहे हैं, जब तक रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं ये विधायक कमांडो सुरेंद्र कह रहे हैं। पंकज, चर्चा जारी रखेंगे, फिर लौटेंगे, विधायक जी से भी जानने की कोशिश करेंगे इस स्थिति को, अब रणनीति कहां जाती हुई नजर आ रही है। अफसर धरने पर तो नहीं, लेकिन अपने सरकार जरूर धरने पर बैठी, अफसर जरूर दफ्तर पर नजर आए, लेकिन अब रुक करेंगे सीधे पंकज जैन का, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, आपके साथ विधायक कमांडो सुरेंद्र भी मौजूद है। मेरा सवाल ये है कि धरने से हासिल क्या होगा, इनकी क्या सोच है, और क्या धरना ही विकल्प है? और अगर सरकार धरने पर बैठ गई है, अफसर जो है दफ्तर में है, तो दिल्ली की जनता क्या करे, इंतजार? बिल्कुल, ये सवाल जो है हम लगातार यहाँ पर तमाम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है तो धरने के दौरान अगर कैबिनेट धरने पर बैठे रहेगी तो उसके बाद उन समस्याओं का हल कौन निकालेगा, जो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि तक पहुँचने के बाद हल की जाती है। कमांडो जी, सवाल यही है कि धरने से हासिल होगा क्या? एक हफ्ते, दो हफ्ते, एक महीने, छः महीने धरना क्या लगातार चलते रहेगा? क्या सीएम आवास के बाहर आप लोग यूं ही इकट्ठा होते रहेंगे, बैठकर बातचीत करके अगर हल नहीं निकला है तो आगे अब क्या ये आंदोलन ही चलता रहेगा? बिल्कुल, ये आंदोलन चलेगा। जब जब भी किसी राज्य ने मांग की है, चाहे उत्तराखंड हो, झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे मतलब जब जब जनता जब जब खड़ी हुई है, किसी सरकार ने किसी राज्य को पूर्ण राज्य का या राज्य का दर्जा नहीं दिया, उस राज्य की जनता ने लड़ाई लड़ी है। वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कहाँ कर रहे हैं? सीएम धरने पर बैठे हुए हैं और मंत्री उधर कह रहे हैं कि जो राशन का मामला है उस स्कीम को हरी झंडी मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर हड़ताल हो रही है तो हड़ताल खत्म हो, एलजी लिखित आदेश दें। पहली समस्या तो आपका दिल्ली में सरकार चलाना है, सचिवालय में, ये नहीं कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, वो तो आप केंद्र से मांगते रहेंगे। बिल्कुल, वो तो मांग है ही, पूर्ण राज्य का दर्जा तो है ही, उसके साथ ही आज की डेट में जो लगातार जो अफसरों के राशन के मामले में ले लो,
चाहे ऑफिसर काम न करने के मामले में ले लो, जिससे कोई ना एलजी साहब के माध्यम से बीजेपी का जो सह मिल रहा है उसे वो काम नहीं कर रहे हैं, जिससे दिल्ली की जनता परेशान हो रही है। तो परेशान हो तो जनता की परेशान हो। पंकज मेरा सवाल ये है, निकल पा रहा कमांडो सुरेन से, मुख्यमंत्री पंकज मेरा सवाल ये है इनसे जी, ये जरूर पूछिए कि ये कह रहे हैं कि 5 महीने 6 महीने तक धरना चलता रहेगा तो दिल्ली की जनता जो है वो गर्मी ऐसी जल संकट के साथ निकाल दे, सर्दी तक ऐसे ही मौसम निकल जाए, जल संकट भी जनता झेल लेगी, तमाम चीजें झेल लेगी, कोई धरना चलेगा भी? बिल्कुल जाहिर सी बात है, देखिए आप लोग कह रहे हैं कि धरना यूं ही चलता रहेगा, लेकिन इस बीच काम कैसे होंगे? जो काम आप लोगों के हिस्से में आते हैं, आपके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, कई इलाकों में आप भी जानते हैं, खुद जल बोर्ड भी कहता है कि पानी की समस्या है, बिजली कटौती कई इलाकों में भी होती है, आप लोग सब यहाँ धरना देंगे तो वो काम बिल्कुल करेगा। ये बात जवाब लेने की है और जिस बात को समझने की जरूरत है, क्या इसका जवाब दे पाएगी सरकार या इनके नुमाइंदे भी? फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर सीधा निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने आरोप लगाया है कि संवैधानिक पदों पर बैठे केजरीवाल बदतमीजी पर उतर आए। उनके मुताबिक केजरीवाल एलजी हाउस पर इस वजह से बैठे हैं क्योंकि पानी किल्लत के मुद्दे पर परेशान लोग उनको डंडा लेकर ढूंढ रहे हैं। इस बारे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी से बात की हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा ने। दिल्ली में एक बार फिर धरना पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी। मनोज जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, अपने मंत्रियों के साथ जो हैं वो एलजी हाउस में धरने बैठ गए हैं, अब तो अनशन में बैठ गए हैं। धरने पे नहीं बैठे हैं, गुंडे ही पे बैठे हैं। वो एलजी हाउस में गुंडागर्दी कर रहे हैं, इस समय बदतमीजियाँ कर रहे हैं, संविधान को ठोकर मार रहे हैं। इसको इस तरह से बोला जाना चाहिए रोहित बाबू, एलजी यूनियन टेरिटरी के संवैधानिक व्यवस्था के हेड होते हैं और एक मुख्यमंत्री एलजी के घर में जा कर के इस प्रकार से बदतमीजी करें, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। वो धमकियां दे रहे हैं, आज एलजी माननीय एलजी का बयान आपने पढ़ा होगा, वो धमकियां दे, मुख्यमंत्री राज्यपाल को धमकियां दे, अरे सारा काम आपको करना है, 48,000 करोड़ का बजट आपके पास है, सारी ब्यूरोक्रेसी आपके पास से, संवैधानिक आधार पे जितने आपको अधिकार हैं वो तब भी थे जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपने 70 वादे किए तब, आपने लिखे नहीं कि ये 70 वादे तब पूरे होंगे जब ये पूर्ण राज्य का दर्जा बनेगा, अचानक 3.5 साल के बाद ये नाटक क्यों? उन्होंने तो कह दिया है कि इनडेफिनेट हंडर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं वो, तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो वहाँ से हिलेंगे नहीं, इसलिए कि अब इनडेफिनिट दिल्ली की जनता उनको दौड़ाने वाली है, डंडा लेके दौड़ा रही है पानी के मुद्दे पे, तो इनडेफिनिट वो छुपने की जगह ढूंढ लिए हैं एलजी हाउस, क्योंकि वहां तो जनता भी घुस नहीं सकती। ये मनोज तिवारी निशाने पर लेते हुए अरविंद केजरीवाल को। इस बुलेटिन में इतना ही, दिल्ली आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार।